हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पचौरी एमएलटी के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे को एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में देखना है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एसिड फास्ट स्टेनिंग बेसिकली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है उसको डायग्नोस करने के लिए यूज की जाती है। लास्ट वीडियो हमने ग्राम स्टेनिंग को लेकर के पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि रूटीनली हम जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको हम जो है क्या करते हैं कि ग्राम स्टेनिंग के द्वारा हम पता लगाते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं कि ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। हमारे लिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो ग्राम स्टेनिंग के द्वारा स्टेन नहीं किया जा सकता। उसका रीजन होता है कि वो नेचर में एसिड फास्ट होता है, ठीक है। अब एसिड फास्ट का क्या मतलब होता है हम इस स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ एसिड फास्ट बेसिलाई को स्टेन करके कैसे हमारे को माइक्रोस्कोप में वो दिखता है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग बारे में और साथ ही साथ माइक्रोस्कोपी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपन देखें कि इसको सबसे पहले जो है डिस्कवर किया गया था, इचलिच नाम से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे डिस्कवर किया था और इसको मॉडिफाई किया था जीन एंड नेल्सन ने, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो नाम है वो एसिड फास्ट स्टेनिंग का जीन नेल्सन स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज है कि इसके अंदर ये वाला है, कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है वो किसने डिस्कवर की थी। तो इसमें जो है जील और नेल्सन तो मॉडिफाई किया था उन्होंने, ठीक है। और जबकि इसको खोजा किसने था, तो इचलिच ने जो है इसे जो है डिस्कवर किया था, ठीक है। देन इसके बाद अपन बात करें एप्लीकेशन, तो जैसा कि बताया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या फिर आपके लेप्रे बेसिलाई, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के जो बेसिलाई हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल में हम बोलते हैं कि ये जो है नेचर में ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, एसिड फास्ट होते हैं। और एसिड फास्ट का मतलब क्या लिखा है इसमें, लिखा है एसिड फास्टनेस इज ड्यू टू द कंटेंट ऑफ लिपिड, यानी कि लिपिड का कंटेंट और फैटी एसिड का कंटेंट अगर ज्यादा है सेल वॉल के अंदर, तो ऐसी सेल वॉल क्या है, एसिड फास्ट जो है सेल वॉल बनती है, ठीक है। इसके अंदर हायर अल्कोहल्स हैं जो आपके पाए जाते हैं, ठीक है, सेल वॉल के अंदर। और जो माइकोलिक एसिड है वो एक वैक्स की लेयर है जो कि आपके एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है फ्री स्टेट में, और इसीलिए ये क्या है जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं नॉर्मल स्टेन को नहीं ले पाते। इसके लिए हमारे को एक ऐसा स्टेन लेना पड़ेगा जो आपके क्या हो लिपिड के साथ सॉल्युबल हो, ताकि वो क्या करे आपके जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसको पेनिट्रेट करके और उसको जो है अंदर से स्टेन कर पाए, ठीक है। तो इसके अंदर इसके अलावा जो इसकी लिपिड कंटेंट है, इसके अलावा जो एसिड फास्टनेस है वो साथ में डिपेंड करती है उसकी सेल वॉल की इंटीग्रिटी और उसकी थिकनेस के ऊपर कि उसका जो सेल वॉल है वो कितना थिक है इस टाइप में, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल हो गया जिसके बेसिस पे ये स्टेनिंग वर्क करता है, ठीक है। अगर हमारे पे एसिड फास्ट स्टेनिंग करना है तो हमारे को मेनली एक प्राइमरी स्टेन चाहिए, एक आपका जो है काउंटर स्टेन चाहिए। जैसे ग्राम स्टेन में यूज किया था ऐसे हमारे को एक प्राइमरी स्टेन लेना होता है। प्राइमरी स्टेन में अपन कार्बन फर्शन यूज करते हैं, 20% H2SO4 ये जो है आपके डी कलराइजर के तौर पर यूज होता है, ठीक है। क्या होता है डी कलराइजर जो स्लाइड को क्या करता है डी कलराइज करने के लिए यूज होता है। जैसे अपन ने वहां पर ग्राम ग्राम सायोडीन जो था वो मॉडरेंट यूज किया था, और इसके अलावा डी कलराइजेशन के लिए अपन ने एसिड अल्कोहल का इस्तेमाल किया था। ऐसे ही आप यहाँ पर जो है 20% H2SO4 जो है वो यूज करते हैं। अगर लेप्रे बेसिलाई है तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेप्रे बेसिलाई के केस में आपको ये जो है 5% H2SO4 इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। 20% आप किसके लिए करोगे, आपके जो मेनली एसिड फास्ट बैक्टीरिया या आपके जो ट्यूबरक्लोसिस है उसके लिए, और लेप्रे बेसिलाई के लिए 5% यूज करना होता है, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके जो स्पेसिमेन है क्या स्पेसिमेन लेते हैं, तो मेनली अपन को कलेक्शन करना होता है स्पुटम का स्पेसिमेन जिसके द्वारा अपन को स्टेनिंग करनी है। देन इसके बाद स्पुटम का एक फिक्स स्मियर लेकर के हमारे को स्टेनिंग करनी होती है। इसका प्रोसीजर अगर हम बात करें कैसे हमारे को स्टेनिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हीट फिक्स स्लाइड जो है उसको लेकर के आप उस पर कार्बन फर्शन जो है वो आप क्या करते हो डालते हो, ठीक है। या तो आप हॉट कार्बन फर्शन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप कार्बन फर्शन डाल के और स्लाइड को जो है क्या कर सकते हैं इंटरमिटेंट हीट दे सकते हैं। नीचे से आप जो है स्प्रिट लैम्प के ऊपर स्लाइड को जो है क्या करें आप उसको जो है गर्माहट देते रहें, ठीक है। ये क्या है कि आपका जो है पेनिट्रेशन के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब हीट करते हैं तब वो सेल वॉल को पेनिट्रेट करके बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर कर पाता है, ठीक है। तो ये अपने को इंटरमिटेंट हीट लगातार आपको 5 से 10 मिनट के लिए देनी होती है। और इसके बाद आप क्या करोगे कि ये स्टेन आपका ड्राई नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप क्या करोगे कंटिन्यूसली कार्बन फर्शन उसमें सूखने नहीं देना स्लाइड को, वो हमारे को ऐड करते रहना है, ठीक है। देन इसके बाद अपन इसको वाटर से वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद आपको क्या करना होता है 20% H2SO4 जो है उसके अंदर ऐड करना होता है।
और डीकलराइज करना होता है। इसमें क्या है कि 20% एस्टोसपोर जब तक आप यूज करोगे, जब तक कि वो स्लाइड बिल्कुल जो है कलरलेस नहीं हो जाती, ठीक है, उसका जो पिंक कलर है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाना चाहिए, तब अपन फर्दर जो है काउंटर स्टेन उसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका लिख रखा है वॉश विद द टेप वाटर एंड ऐड 20% ऑफ एस्टोसपोर फॉर द डीकलराइजेशन, ठीक है। देन इसके बाद लास्ट स्टेप में आपको डीकलराइजेशन के बाद में काउंटर स्टेन के तौर पर आपको क्या है मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करना है 1 से 2 मिनट के लिए, और देन उसके बाद आप क्या करोगे उसको स्लाइड को वॉश कर लोगे, ठीक है। ये आपका एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा आप एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है परफॉर्म करते हैं। इसके बाद अगर हम इस रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में देखेंगे कि आपका जो एसिड फास्ट बेसिलाई है वो रेड कलर का दिखेगा, यानी कि जो आपके माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो रेड कलर के आपको ब्लू बैकग्राउंड के साथ में दिखते हैं, और बैकग्राउंड के अंदर आपको पस सेल और एपिथेलियल सेल्स जो है वो देखने को मिलती है। पस सेल बेसिकली क्या है, WBCs है, और इसके अलावा एपिथेलियल सेल्स जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए उसमें जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।